कभी कभी माताएं बड़ी परेशान होती हैं, या तो उसका पति दरिद्र है या सुंदर नहीं है, रूपवान नहीं है, या घरवाली को कान से लटका लटका करके घुमाता नहीं है। एक श्लोक बोल रहा हूं, इसमें लिखा है, दरिद्रम व्याधितम छुड़दम भरतारम योव मन्यते। क्या कमाल पराशर ऋषि ने किया। मेरी बहनों, बुरा ना मानिएगा, मैं 100% आपके ही साथ खड़ा हूं, मैं आपके पक्ष में ही खड़ा हूं। पति के ऊपर कभी शासन मत करो। आजकल पति लोग भी बहुत आत्महत्या करके मर रहे हैं, और नारी से पहले पति दुनिया छोड़ के चला जाए, ये किसी भी नारी के लिए शुभ नहीं है, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। माइक खोलो भाई साहब। तो दरिद्रम व्याधितम धूर्तम भर्तारम योव मन्यते। पति दरिद्र है या बीमारी से ग्रसित है, या थोड़ा दिमाग से कमजोर है, या वह सुंदर नहीं है, रूपवान नहीं है, उसके पास रूप नहीं है, तो सास सुनी जायते मृत्या सूकरी च पुनः पुनः। तो इसमें वर्णन किया गया है कि वह नारी उसको अपना पति नहीं मानती, उसका आदर उससे नहीं हुआ, उसका मान नहीं हुआ, और उसको अपमानित करती रहती है, उसको ताड़ित करती रहती है। लिखा है मां सुनी जायते, सुनी कहते हैं कुतरिया, तो उसको यह है जीवन मिलता है। क्या पुरुष के लिए भी है कुछ? हाँ भी बोलूंगा ना, पुरुष के लिए भी। आप गुणों का आदर कीजिए, चमड़े का नहीं। ऐसा ना हो जाए, एक बार अष्टावक्र राजा जनक की सभा में चले गए थे, वहां एक बहुत बड़ा विद्वानों की गोष्ठी बहुत बड़ी, वहां विद्वानों की गोष्ठी होने वाली थी, तो वहां पर अष्टावक्र चले गए। मैंने अष्टावक्र गीता में जिक्र किया होगा, माइक खोलो। तो अष्टावक्र तो 8 जगह से टेढ़े थे, वो पिताजी ने उन्हें श्राप दे दिया था। जैसे मैं अष्टावक्र अपने माँ की उदर में थे, तो उनके पिता शिष्यों को पढ़ा रहे थे, तो वो अशुद्ध श्लोक उन्होंने मंत्र अशुद्ध बोल दिया। माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा था, और उन्होंने कहा पिताजी आप विद्वान हैं और आपने मंत्र 8 जगह से अशुद्ध बोला है, पेट में से ही बोल दिया था इन्होंने। तो पिता को इतना बुरा लगा और कहा अच्छा, बहुत बड़ा पंडित है तू, बहुत बड़ा विद्वान है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू 8 जगह से टेढ़ा हो जाएगा, तूने मेरी बात काटी है। तो पिता का श्राप था, और जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो शरीर से 8 जगह से वो टेढ़ा था, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र। वक्र माने टेढ़ापन और अष्टा माने 8, 8 जगह से टेढ़ा। जब उनका पहुंचना जनक के दरबार में हुआ, तो उन्हें देखकर वो भरी सभा में पंडित बैठे हुए थे, तो वो सब खिलखिला करके हंस पड़े अष्टावक्र की सकल सूरत देख करके। तो अष्टावक्र ने क्या कहा, राजन जनक, जनक ने अपना गुरु माना अष्टावक्र। राजा जनक को कहा अष्टावक्र ने, राजा मैंने तो ये सुना था कि विद्वानों की सभा है, इसलिए मैं चलाया, मुझे यह नहीं पता था कि तुमने चर्मकार बुला रखे, इन्होंने मेरी चमड़े की पहचान की है, तो चमड़े की पहचान तो चर्मकार करता है, इन्होंने मेरे गुण नहीं देखे। तो जो अष्टावक्र बोले हैं अंबर में छा गए वो सब, अजर अमर हो गए वो सब। चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने आदमी अपने पत्नी का चमड़ा मत देखिएगा, उसके गुण देखिएगा। चाहे वो पत्नी है, उसका गुण देखिए, भोर में कितना जल्दी जागती है, पूरे परिवार को संभाले हुए, पूरे परिवार को लेकर के चलती है, अपना घर द्वार परिवार सब तुम्हारे कुंडबे के लिए छोड़ के आ गई, वह तुम्हारे परिवार की इतनी चिंता करती है, तुम चमड़ा देख रहे हो, अपनी घर वाली की उस गुणवत्ता को देखिए, उसने पूरा जीवन समर्पित कर दिया तुम्हारे लिए। ये बात रही देवियों की। अब पुरुषों की बात, मुझे कभी कभी ये बहनें कहती हैं आदमी बहुत मेला कुचेला रहता है, ठीक ठाक नहीं रहता, उतना सुंदर है नहीं, सखियां मजाक से उड़ाती हैं,
सहेलियां मजाक से उड़ाती हैं, अच्छा लगता नहीं है, ऐसा बोलते हैं। उस आदमी की गुणवत्ता देखिए जो तुम्हें कितना लाड़ करता है, तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, तुम्हारा कितना ध्यान रखता है, तुम्हारे माथे में भी दर्द हो तो उसे बेचैनी हो जाती है। ऐसा आदमी कहां मिलेगा, इसे जिसको आज तक समझ नहीं पाया उस घरवाली ने, उसकी सहजता को नहीं समझ पाया, बस वो तो यही देखती रही सुंदर नहीं है, गोरा पीला नहीं है, मॉडर्न नहीं है आज के जमाने का। ये मॉडर्न वालों की घरवालियां तो बहुत दिक्कत में, बड़ी परेशानी में, रात को शराब पी के गेट में ऐसी लात मारता है, लगता ही नहीं कि आदमी आया, लगता है कि यमराज का दूत आ गया है कोई, ऐसा लगता है। तो क्या आप यही चाहती हैं? तो शराब पी कर गया है, आकर के लात मारे घर में, जिसको ढंग नहीं बोलने का, जिसको चलने की चाल नहीं उसको, हाँ थोड़ा रंग उसका गोरा पीला है उसको। तो यहां महात्मा ने जो अच्छी बात कही है वो बहुत सुंदर बात कही है, पति सुंदर नहीं है, दरिद्र है, कोई सी बीमारी ने उसे घेर लिया है, वो बीमार है, उस समय तो तुम्हारा संग देने की जरूरत है। समय आने पर संसार के जितने भी रिश्ते हैं वो छोड़ देंगे, लेकिन सात भामर पड़ने वाली ऐसी घर वाली यदि है, खानदानी अच्छे माता पिता की, अच्छे परिवार की, तो घरवाली तुम्हारा संग नहीं छोड़ सकती। ये हमारे ग्रंथों में लिखा है। सुदामा के सामने जो सुशीला ने बात कही, सुशीला ने क्या कहा था, हे देव तुम्हारी परछाई तुम्हारा संग छोड़ सकती है, मैं ऐसे बाप की बेटी हूं, ये ब्राह्मणी तुम्हारा संग नहीं छोड़ेगी कभी भी। ये सुशीला के शब्द। और नारी तो वही है, स्थिति और परिस्थितियों में कभी भी अपने पति का संग नहीं छोड़ती। तो सासुनी जायते मृत्या, वो मरने के बाद में फिर वो कुकरी बन जाती है, कुकरी यानी कुतरिया। यदि उसने यह अपराध किया है तो